जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमराही एकेडमी इंदौर में। हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। लास्ट वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज के बारे में। एक टॉपिक और कंप्लीट किया था, इसका नाम था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, कहीं पर जनसंख्या विस्फोट होता है, मतलब बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ती है, तो अब उससे जनसंख्या को बढ़ने से कैसे रोका जाए, इन नियम और कानूनों के आधार पर पढ़ना जरूरी है। तो आज का हमारा टॉपिक है बर्थ कंट्रोल। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो वाकई आप बहुत कुछ सीख करके जाएंगे, पूरा एक कंसेप्ट क्रिएट करके जाएंगे। शायद फिर इसके बाद आपको कहीं और दूसरी जगह ना तो टीचर से समझने की और ना ही फिर उसको देखने की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए देखिए, बात करेंगे हम बर्थ कंट्रोल के बारे में। चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। फर्स्ट पॉइंट है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टू स्टेप्स टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ इज टू मोटिवेट द स्मॉलर फैमिलीज यूजिंग वेरियस कंट्रासेप्टिव मेथड्स। सबसे पॉइंट ये है कि अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी फैमिली हो, छोटी फैमिली हो, तो उसके लिए जो कपल्स हैं जो अभी रिप्रोडक्टिव एज में हैं, उनको ये मोटिवेट किया जाए कि आप छोटी फैमिली रखेंगे तो आपका फायदा है। आप छोटी फैमिली रखेंगे तो उनकी हर एक डिमांड पूरी कर पाएंगे, आप छोटी फैमिली रखेंगे तो उनकी हर एक नीड पूरी कर पाएंगे, जो बेसिक नीड है वो पूरी कर पाएंगे और एक अच्छी फैसिलिटी के साथ में जिंदगी जी पाएंगे। तो ये उनको मोटिवेट करना, ये सबसे पहला स्टेप हमारा होना चाहिए। और अगर मोटिवेट करते हैं तो सिर्फ इस मोटिवेशन से काम चलने वाला नहीं है, इसके लिए कुछ न कुछ अलग तरीके के मेथड्स भी होने चाहिए। अदरवाइज वो अपनी जिंदगी, नॉर्मल जो जिंदगी जीना चाहिए, जो कपल्स की लाइफ होती है, उस लाइफ को तो जीना नहीं बंद कर देंगे इस डर से कि बेबी उत्पन्न हो जाएंगे या बेबी जन्म ले लेगा। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि आप ऐसा तरीका अपनाइए या ऐसा तरीका उनको बताइए, उनको सजेस्ट कीजिए कि जिससे वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सके और साथ में जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज हैं उन प्रेगनेंसीज से भी बच सके। तो हम पढ़ेंगे कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस में ऐसी ऐसी डिवाइसेस पढ़ेंगे जिनका अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है और उनको अलग अलग तरीके से यूज करते हुए भी सेम काम को रोका जा सकता है, दैट मीन्स प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। हमारा मेन मोटिव एक है, दैट मीन्स टू प्रिवेंट द अनवांटेड प्रेगनेंसीज या फिर नो मोर प्रेगनेंसीज। ठीक है, अगर हम नहीं चाहते कि ज्यादा प्रेगनेंसीज हो तो उनसे हम बचें, या फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी हमारी ना चाहते हुए भी अगर कोई प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो इस तरीके की प्रेगनेंसीज से बचा जाए। तो अलग अलग तरीके के मेथड हैं, उनका सबका वन बाय वन करके पढ़ेंगे। जितने भी कंट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, मैंने बताया कि बहुत तरीके के मेथड्स होंगे, तो सबसे पहला एक पॉइंट आता है कि किस मेथड को हम माने कि वो अच्छा है। तो उसके अच्छा या बुरा होने के लिए कोई तो पैरामीटर होगा और उस पैरामीटर को ही हम बोलते हैं एन आइडियल कंट्रासेप्टिव। मतलब एक आदर्श कोई गर्भ निरोधक है, अगर कोई आदर्श गर्भ निरोधक बोले तो कंट्रासेप्टिव डिवाइस है, तो वो कैसा होना चाहिए, उसको कम से कम क्या उसकी जो बेसिक फीचर्स हैं वो फीचर्स कैसे होने चाहिए जिसके आधार पे हमें बोलें कि ये आइडियल है अथवा नहीं है। तो ये चार फीचर्स आपके सामने हैं। फर्स्ट है यूजर फ्रेंडली, मतलब कि जो डिवाइस है वो बहुत आसानी से यूजेबल हो। ठीक है, अगर कोई उसको यूज कर रहा है तो उसको किसी प्रकार की उसमें हानि ना होनी चाहिए। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि अब उसको यूज करना है तो किसी और अच्छे सलाहकार या बड़े डॉक्टर की आवश्यकता हो तब जाकर के उसका यूज कर पाए। यूजर फ्रेंडली बोले तो आसानी से वो यूज कर सके, खुद से भी यूज कर सके, ऐसी एक डिवाइसेस होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है इजिली अवेलेबल होना चाहिए। मान लीजिए हम कोई ऐसी डिवाइस के बारे में बात कर ली कि बहुत अच्छी डिवाइस है, उसका काम भी बहुत अच्छा है और इजिली यूजेबल भी है, बट वो मिलती कहाँ पे है, बोले अमेरिका जाना पड़ेगा, बोले मिलती कहाँ पे, बोले रशिया जाना पड़ेगा, चाइना जाना पड़ेगा। तो अब ऐसी डिवाइसेस जो अपने देश में या अपने आसपास इलाके में, अपने गांव और नुक्कड़ में कहीं नहीं मिलती है, जो छोटे छोटे मेडिकल्स होते हैं अगर उनमें अवेलेबल नहीं है, तो फिर उसको आइडियल कंट्रासेप्टिव बोलना काफी डिफिकल्ट बात है। फिर उसको ना बोले तो ही बेहतर है कि वो आइडियल है। ठीक है, केवल कुछ परफॉर्मेंस के आधार पे उसको आइडियल कंट्रासेप्टिव नहीं बोला जा सकता। ये सब पैरामीटर्स किसी भी कंट्रासेप्टिव में लागू होंगे और उन सभी पैरामीटर्स को अगर वो फुलफिल करेगी तब जाकर के हम बोलेंगे कि वो आइडियल कंट्रासेप्टिव है अथवा नहीं है। ठीक है, तो इजिली अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है इफेक्टिव होना चाहिए। अगर हम यूज कर रहे हैं, पचला यूज कर लिया, उसके बावजूद भी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, तो फिर वो उसका यूज करने या ना यूज करने का कोई मतलब नहीं है। तो वो जो डिवाइस है वो कैसे होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए।
एक पॉइंट और है कि वो रिवर्सिबल भी होना चाहिए। अगर आप जिंदगी में फिर से दोबारा उसको इस्तेमाल करना चाहें तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में कंडोम्स का इस्तेमाल करना। अगर एक बार कंडोम इस्तेमाल किया तो ऐसा नहीं है कि अगर उस कंडोम को, हालांकि वो जो कंडोम है तो वो यूज एंड थ्रो है, बट इसी प्रकार का दूसरा कंडोम भी आप उसको यूज कर सकते हैं अपनी एक बार लाइफ के अंदर। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे मेथड्स भी हैं जिनको आप दोबारा रिवर्सिबल नहीं कर सकते हैं, जैसे जो स्टेराइजेशन मेथड्स होते हैं या फिर उनको हम सर्जिकल मेथड्स बोलते हैं, हालांकि वो आइडियल कंट्रासेप्टिव नहीं है। ठीक है, तो इफेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, उनको बार बार पुनः तो इस्तेमाल किया जा सके, उसी को नहीं बल्कि उसके जैसे नई चीज को परचेज करके इस्तेमाल किया जा सके, विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट, या तो उसमें कोई भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए, या फिर इतना हो कि पता ना चले, बहुत कम हो। ठीक है, बहुत लीस्ट साइड इफेक्ट होना चाहिए तो भी चलेगा कि हाँ ठीक है, एक आइडियल कंट्रासेप्टिव है, ना हो तो बहुत बढ़िया है एक आइडियल कंट्रासेप्टिव के लिए। बट कोई ऐसी बहुत कम डिवाइसेस हैं जिनमें साइड इफेक्ट हो ही ना। ठीक है, क्योंकि सब मेडिसिन की बनी होती हैं या फिर वो अलग अलग प्रकार के केमिकल से मिलकर बनी होती हैं, तो उस कंडीशन में वो थोड़ा बहुत उनका साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, नॉट इंटरफेयरिंग विद सेक्सुअल ड्राइव एंड डिजायर। पहली बात, दो शब्द आते हैं ड्राइव एंड डिजायर, उनको देखेंगे, और आते हैं एंड ऑब्लिक आर द सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर्स। ठीक है, तो किसी प्रकार से इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। पहला पॉइंट है जो ड्राइव है, ड्राइव बोले तो जब भी वो सेक्सुअल एक्टिविटी करे, ठीक है, तो उस एक्टिविटी के दौरान उसको किसी प्रकार के प्रॉब्लम्स नहीं आना चाहिए। या फिर डिजायर की बात करें अगर, तो उसकी जो इच्छा है, ठीक है, पर चला ऐसी कोई कंट्रासेप्टिव यूज कर रहा है जिससे उसको सेक्सुअल डिजायर ही नहीं आ रहा है, मतलब उसकी जो सेक्सुअल एक्टिविटी करने की जो क्षमता थी वो कम हो गई है या फिर उसकी इच्छा नहीं हो रही है, तो वो एक आइडियल कंट्रासेप्टिव नहीं मानी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है सेक्सुअल एक्टिव को लेकर के भी प्रॉब्लम ना होनी चाहिए, बिल्कुल भी ना हो तो बेहतर है। बच्चे सेक्स एक्ट कर रहे हैं उसके दौरान पे उनको इरिटेशन हो रहा है, रेडनेस हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है या इन्फेक्शन बार बार फैल रहा है, तो इस तरह की कोई सेक्सुअल जो डिराइव है या फिर जो आइडियल कंट्रासेप्टिव है, इस तरह के कोई कंट्रासेप्टिव आइडियल नहीं कहलाएंगे अगर ऐसी प्रॉब्लम्स वो क्रिएट करते हैं तो। ना तो देखिए ध्यान से सुनना, विद नो नॉन इंटरफेयरिंग, किसी प्रकार से इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, कहां पे ड्राइव में या फिर डिजायर में या फिर सेक्सुअल एक्ट में, तीनों में किसी प्रकार से इंटरफेयर उसका नहीं होना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि वो आइडियल कंट्रासेप्टिव है। आशा करता हूं आपको ये चारों पॉइंट अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आप क्लास 12th से हैं तो इसके ऊपर लगातार क्वेश्चन आते रहते हैं, चार के चारों पॉइंट आप छाप के आ जाना। ठीक है, और अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कैसे कैसे कौन कौन से पॉइंट हैं, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना चाहिए आपको, ठीक है, पता होना चाहिए, और आगे हम मूव करेंगे। अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, कितने प्रकार के मेथड्स हैं। अभी मैंने इसी के आधार पर बहुत प्रकार के मेथड्स हैं, ठीक है, तो अब वो मेथड्स कैसे होने चाहिए, तो बोले एक आइडियल कंट्रासेप्टिव होना चाहिए, कंट्रासेप्टिव बोले तो तरीके, ठीक है, जिसके माध्यम से रोका जा सके। ठीक है, तो उन्हीं कंट्रासेप्टिव के बारे में हम बात करेंगे। देखो क्या पॉइंट है हमारे पास, जो एक पॉइंट पहले है, कंट्रासेप्टिव मेथड्स आर डिवाइडेड इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। जो कंट्रासेप्टिव मेथड है, जो अवरोध प्रकार के जो मेथड्स हैं, कई प्रकार के मेथड्स हैं, उनमें इस तरीके से 6 मेथड्स हमारे सामने हैं। वन बाय वन करके हम इसी लेक्चर में एक एक करके पूरे के पूरे मेथड्स को डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल के साथ में डिस्कस करेंगे, ऐसे ऐसे पॉइंट डिस्कस करेंगे जहां से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावनाएं होती है। तो चलिए हम बात करेंगे सबसे पहले नेचुरल एंड ट्रेडिशनल मेथड। ये जो नेचुरल मेथड है, क्योंकि यहाँ पे मैं आगे चल के नेक्स्ट वाले पेज में या जो भी फॉलोइंग पेज हैं उनमें इनको डिटेल में समझाऊंगा, तो यहाँ पे मैं थोड़ा नाम लेकर के थोड़ी सी चीजें समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। देखो नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड ऐसा होता है जिसमें तीन प्रकार से अलग अलग प्रकार के मेथड है, उनमें हम वन बाय वन करके, हमारा तीन मोटिव का एक है कि जो ओवम है और स्पर्म है वो मिल ना सके, उनको मिलने से रोकना है। ठीक है, तो नेचुरल मेथड में किसी प्रकार की हमें कोई डिवाइस इस्तेमाल नहीं करनी होती है, ठीक है, किसी प्रकार की टेबलेट्स इस्तेमाल नहीं करनी होती, कुछ भी नहीं करना होता है, बस अपने बॉडी में कंट्रोल करना होता है, या तो नेचुरली हमारी बॉडी में प्री कंट्रोल्ड होता है या फिर हम खुद से कंट्रोल करते हैं, जैसे विड्रॉल मेथड हो गया, लैक्टेशनल एमिनोरिया हो गया, है ना, इस प्रकार से मेथड है हमारे पास, इनके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बैरियर मेथड, इसके बारे में बात करेंगे। बैरियर मेथड, तो बैरियर मेथड में क्या होते हैं, अवरोध लगा देना, बोले उनके बीच में एक बैरियर लगा देना स्पर्म और ओवम से मिलने के बीच में। ठीक है, तो सीमेन रिलीज हो तो वो वजाइना के अंदर जा ही ना पाए, इसको किस प्रकार से रोका जा सकता है, बोले कंडोम्स का यूज करके रोका जा सकता है, मेल कंडोम, फीमेल कंडोम, या फिर डायफ्राम आता है, सर्विकल कैप आता है, वॉल्ट आता है, ये ढेर सारे अपने पास ऑप्शन है, इस तरीके से बैरियर मेथड से हम इनको रोक पाएंगे।
नेक्स्ट है इंट्रायूटराइन डिवाइसेस। बोलिए ये ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनका फुल शॉर्ट फॉर्म में आईयूडीज बोलते हैं। आईयूडी बोले इंट्रायूटराइन डिवाइसेस, शॉर्ट फॉर्म आता है, कई बार फुल फॉर्म पूछ लेता है क्लास 12th के लेवल में, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इंट्रायूटराइन डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो यूट्रस के अंदर रखी जाती हैं और वो तीन प्रकार से अपना कार्य कर सकती हैं, या तो वो नॉन मेडिकेटेड हो सकती हैं, हार्मोन रिलीजिंग हो सकती हैं, फिर कॉपर आयन रिलीजिंग हो सकती हैं। ठीक है, फिर आता है ओरल कंट्रासेप्टिव। ओरल कंट्रासेप्टिव ये भी एक प्रकार का मेथड है जिसमें हम टेबलेट्स को ओरल बोले तो माउथ के द्वारा ली जाने वाली टेबलेट्स, तो हम इस तरीके जो टेबलेट्स होती हैं जो प्रोस्टान और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन से बनी होती हैं, उनको ओरल कंट्रासेप्टिव या फिर पिल्स या फिर टेबलेट्स, उनके बारे में बात करेंगे। उसके नेक्स्ट बात फिर आता है इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट्स, बोले वही कॉम्बिनेशन जो हमने अभी पिल्स के रूप में लिया था, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन जो होता है, उसी कॉम्बिनेशन को हम इंजेक्टेबल बोले इंजेक्शन के रूप में भी ले सकते हैं या फिर उसी को हम इम्प्लांट्स के रूप में भी ले सकते हैं अंडर द स्किन। स्किन के जो माचिस की तीलियों जैसा इम्प्लांट्स आते हैं उनको माचिस जो स्किन होती है स्किन के थोड़ा सा ऊपर कट करके उसको इसके अंदर प्लेस करके दो टांके मार दिए जाते हैं, तो इस तरीके से इम्प्लांट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये भी सेम वैसे ही वर्क करते हैं जैसे हमारी ओरल कंट्रासेप्टिव वर्क करती हैं। ठीक है, बट इनका इफेक्टिव पीरियड काफी लंबा होता है, आगे डिस्कस कर लेंगे। सर्जिकल मेथड, एक सर्जिकल मेथड को हम स्टेरिलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो मेल और फीमेल होते हैं जिसके साथ भी ये मेथड अपना लिया जाता है वो स्टेराइल हो जाता है, इस स्टेरिलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेथड परमानेंट मेथड होता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये सब 6 के 6 पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए देखिए बात करते हैं अब नेक्स्ट में। सबसे पहले हमारा है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में तीन अलग अलग मेथड पढ़ेंगे, क्वाइटस इंटरप्टस, पीरियोडिक अब्सटेंस एंड लैक्टोजनल एमेनोरिया। ठीक है, तो ये ऐसे मेथड्स होते हैं जिसमें ओवम और स्पर्म को मिलने से रोका जाता है। ठीक है, रोका जाता है किस प्रकार से, नेचुरली तरीके से, या तो उसमें पहले से प्री इंस्टॉल्ड प्रोसेस होते हैं। इंस्टॉल्ड प्रोसेस बोले तो हमारे बॉडी में ही चल रही होती है प्रोसेस, ऐसा है। ठीक है, तो देयर आर नेचुरल मेथड्स दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ अवॉइडिंग मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम। क्या करना है, अवॉइड करना है, रोकना है। ठीक है, अभी हमारे बॉडी में पहले से कुछ मैकेनिज्म मौजूद होती है उसके माध्यम से भी यूज किया जा सकता है या फिर हम इंटेंशनली चाह करके भी कर सकते हैं इसको। जैसे पहला है पीरियोडिक अब्सटेंस। पीरियोडिक अब्सटेंस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक मंथ की साइकिल होती है, तो उस एक मंथ की साइकिल में कुछ ही फर्टाइल पीरियड होता है, वो फर्टाइल जो पीरियड होता है वो होता है 10 से लेकर 17 दिन के बीच का। ठीक है, आप इस तरीके समझ लीजिए, जैसे यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा एक मंथ की साइकिल है, 29 डेज / 28 डेज की साइकिल है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा, पांच से छह दिन तक यहाँ पे तो मेंसेस होता है। क्या होता है बेटा, मेंसेस होता है। ठीक है, मेंसेस के बाद में क्या होता है, फिर से फॉलिकुलोजेनेसिस चालू हो जाती है, और जब फॉलिकुलोजेनेसिस होती है तो लगभग और आगे 5 से 7 दिन तक यही चलता है। उसके बाद फिर और 10 दिन बाद है ना, 10 दिन तक ले लो, 8 दिन ले लो, 9 दिन ले लो, तो इतने दिन में क्या होता है लगभग 14th डे का बेटा, मिड साइकिल में 14th/15th डे के बीच में क्या होता है, क्या होता है, ओवम रिलीज होता है। तो ओवम रिलीज होने की जो संभावनाएं होती है 14th डे में होती है, बट ये माना जाता है किसी किसी फीमेल में हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से ये हार्मोन जो ओवम निकल रहा है वो ओवम रिलीज हो रहा है, वो ओवम हो सकता है 14 को ना रिलीज होकर के उससे थोड़ा पहले हो जाए या फिर थोड़ा बाद में हो जाए, क्योंकि अगर सेक्सुअल एक्टिविटी उसके 3 दिन पहले या 2 दिन पहले भी हुई है तो 48 आवर्स तक स्पर्म जीवित रहता है, तो अगर 1 दिन पहले भी हुई है तो भी चांसेस फर्टिलाइजेशन के। इसलिए किसी प्रकार की कंसेप्शन ना बने, ये जरूरी है कि 10 से लेकर 17 तक ये जो पूरा टाइम पीरियड होता है, इस पूरे टाइम पीरियड में सेक्सुअल एक्टिविटी को अवॉइड किया जाए, इसी को बोलते हैं हम पीरियोडिक अब्सटेंस बोलते हैं। और इसके बाद वाला जो पीरियड होता है 17 से लेकर 18 से लेकर के आगे तक जब तक पीरियड नहीं आ जाता है तब तक ये माना जाता है कि थोड़ा सेफर है। मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% सेफ है। ठीक है, किसी किसी फीमेल में जो हार्मोनल है वो इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है कि जो ओवम 14th या 15th डे में रिलीज होना चाहिए वो 20 डे में रिलीज होता है, 20th या फिर 19th डे या फिर 20 डे में रिलीज हो रहा होता है या 21st डे में रिलीज हो रहा था। तो इतना ज्यादा जब लेट रिलीज होगा और आप मेरे अकॉर्डिंग बोल देंगे कि सर आपने बोला था ऐसा होता है, तो उस कंडीशन में फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं फिर से बोलता हूँ कि 100% नहीं है, ये इस आधार पे है कि उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो पिछले
चार से छह महीने की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको स्टडी किया जाए कि लगातार किस तरीके से उसकी साइकिल चल रही है, क्या लगातार परमानेंट बराबर टाइम टू टाइम चल रही है, या हर बार कुछ मंथ हर बार हर एक मंथ में दो चार दिन कम ज्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं। इन सब चीजों को देखते हुए भी आगे अनुमान ओवुलेशन कब होगा इसका अनुमान लगाया जाना चाहिए और फिर उसके अकॉर्डिंग डे निर्धारित करने चाहिए। बट हमारी एनसीईआरटी ये बोलती है कि 10 डे से लेकर के 17th डे तक में ये जो टाइम पीरियड है इसके इस समय पे सेक्सुअल एक्टिविटी को अवॉइड किया जाए या फिर क्वाइटस को अवॉइड किया जाए जिसके आधार पे आप अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। इट इज द मेथड इन विच कपल्स अवॉइड और अब्सटेंस बोले तो बच करते हैं या अब्सटेंस कर देना फ्रॉम द क्वाइटस फ्रॉम डे 17 अब द मेंस्ट्रुअल साइकल्स व्हेन ओवुलेशन इज एक्सपेक्टेड जब ओवुलेशन के होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अच्छा इसके बात करेंगे इसके पहले करेंगे तो कोई चांसेस क्यों, क्योंकि भाई साहब कोई चांसेस नहीं बनते क्योंकि ओवम नहीं है तो स्पर्म आपस में तो फर्टाइज कर नहीं लेंगे, चाहिए तो उसको ओवम, ठीक है। तो जब ओवम नहीं है तो फिर उस समय किसी प्रकार के कंसेप्शन के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्वाइटस इंटरप्टस या फिर उसको विड्रॉल मेथड बोलते हैं। ये सिंपल मेथड है, बाई ब्रेन कंट्रोल्ड है, हमारे जो भी मेल पार्टनर है जो भी सेक्सुअल एक्टिविटी हो रही है मेल और फीमेल के बीच में तो वहां पे फीमेल को तो पता नहीं चलेगा कि कब उसका इजेकुलेशन होने वाला है या कब वो इंसिमिनेट करने वाला है, बट मेल बॉडी को ये पता चलेगा कि कब इजेकुलेशन होने वाला है और ये मेल बॉडी ये अपने बॉडी के अंदर कंट्रोल कर सकता है कि फटाफट जैसे ही सीमेन रिलीज होने वाला हो पेनिस को विड्रॉ कर ले बोले बाहर निकाल ले, इसी को बोलते हैं क्वाइटस इंटरप्टस। मतलब क्वाइटस बोले तो जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उसको इंटरप्ट कर देना, रोक देना और पेनिस को बाहर निकाल देना, या फिर उसको विड्रॉ मेथड भी बोलते हैं क्योंकि इसमें पेनिस को बाहर निकाल करके बाहर इजेकुलेशन करवा दिया जाता है, जो सीमेन है उसको बाहर रिलीज करवा दिया जाएगा। तो जब वेजाइना के अंदर सीमेन जाएगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन होने के कोई चांसेस नहीं है। ये कभी भी कह सकता है यहां से लेकर के जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होती है, ठीक है, या मेंसेस बंद होते हैं उसके बाद से जो साइकिल चालू हो जाती है वो लास्ट तक जब तक कि फिर से दोबारा मेंसेस नहीं आता तब तक कभी भी इसको परफॉर्म किया जा सकता है, बशर्ते इसमें कंट्रोल होने की बहुत संभावनाएं होती हैं। आप कंट्रोल करें अपने आप को तो ही है, अदरवाइज फिर मिसकंसेप्शन हो जाएगा और फिर लास्ट में प्रेगनेंसी हो जाएगी, ठीक है। तो इट इज द मेथड इन विच मेल पार्टनर विड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर द इजेकुलेशन एज द अवॉइड इंसेमिनेशन, क्या रोकता है वो इंसेमिनेशन रोक देता है, हालांकि इजेकुलेशन नहीं रोक सकता, इजेकुलेशन तो होगा पर वो बाहर होगा, बट इंसेमिनेशन रोकता है। इंसेमिनेशन क्या होता है, जब इजेकुलेशन वेजाइना के अंदर होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ सीमेन इनटू द वेजाइना ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड इंसेमिनेशन, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन बोलते हैं, ओके। तो इंसेमिनेशन को प्रिवेंट किया जाता है, यहाँ पे अवॉइड किया जाता है। अब हमारा थर्ड जो मेथड है वो लैक्टेशनल अमीनोरिया है, ठीक है। लैक्टेशनल अमीनोरिया एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिस समय मेंसेस अब्सेंट होता है, मेंसेस अब्सेंट होता है बोले हो सकता है उसके बॉडी के अंदर ओवम ना बने और साथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल ना हो। जब भी कोई फीमेल डिलीवरी होती है फीमेल में या जो उसका पार्चुरेशन होता है तो पार्चुरेशन के बाद का जो फेज होता है आफ्टर पार्चुरेशन वाला जो फेज होता है जिसमें ये माना जाता है कि इफेक्टिव होता 6 मंथ तक, कब तक 6 मंथ तक ज्यादा इफेक्टिव होता है, तो 6 मंथ तक क्योंकि उसमें उसके बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल काफी बढ़ा हुआ रहता है जिसकी वजह से नेक्स्ट जो ओजेनेसिस है वो ओजेनेसिस प्रिवेंटेड रहती है, 6 मंथ तक नहीं होती है, ठीक है। हालांकि किसी किसी फीमेल में 6 मंथ की जगह 8 और 9 मंथ तक भी देखा जाता है या 1 साल तक पूरा देखा जाता है, ठीक है, 10 महीने 11 महीने तक भी देखा जाता है अगर अच्छे तरीके से उसके बॉडी में हार्मोन्स बन रहा है तो। बाय चांस ये कभी कभी तो 3rd महीने में ही चालू हो जाता है ओजेनेसिस, तो ये भी थोड़ा रिस्की है बता रहा हूं, पर फिर भी एक नेचुरल तरीका तो है ही है, इसलिए हमें पढ़ना है कि लैक्टेशनल अमीनोरिया क्या होता है। बोले लैक्टेशनल बोले तो जब दूध पिलाती है, अमीनोरिया मतलब उसमें ब्लीडिंग का अब्सेंट होना, मेंसेस का अब्सेंट होना, तो अमीनोरिया का मतलब क्या होता है, ब्लीडिंग का अब्सेंट होना या मेंसेस का अब्सेंट होना है। लैक्टेशनल बोले तो दूध के या दूध जब पिलाती है उसके दौरान, ठीक है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स दैट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लैक्टेशन आफ्टर द पार्चुरेशन ओवुलेशन डज नॉट ऑकर, दैट इज अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ना तो ओवुलेशन होता है ना ही उसमें मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, अगर सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म भी होती है, अगर सीमेन अंदर जाता भी है तो उस कंडीशन में, ध्यान सुनो, उस कंडीशन में फर्टिलाइजेशन होने के कोई चांसेस नहीं है। जब फर्टिलाइजेशन होने के कोई चांसेस नहीं है तो फिर आगे प्रेगनेंसी के भी कोई चांसेस नहीं है, मतलब ये पीरियड सेफ है। बट फिर भी रिपीट कर रहा हूं, बेस्ड ऑन फीमेल बॉडी हार्मोन्स, उस फीमेल बॉडी के हार्मोन्स किस तरीके से फ्लक्चुएट करते हैं, कब वो रुकते हैं कब वो चालू हो जाते हैं अचानक से, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। बट फिर भी ये जनरली माना जाता है कि 6 मंथ तक ये काफी सेफर होता है या सेफ होता है, ओके।
चलिए अब हमारे नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है बैरियर मेथड। हम बैरियर मेथड के बारे में बात करेंगे। थोड़ा पानी पी लूं। चलिए अब हम बात करेंगे बैरियर मेथड। बैरियर मेथड क्या होता है, कैसे काम करता है? बोले जैसे मैंने बताया कि ये क्या करता है, मेल और मेल स्पर्म जो होता है जो बॉडी से निकलता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दैट इज ओवम, दोनों को रोक देता है। क्या करने से? मिलने से रोक देता है, प्रिवेंट कर देता है डियर मीटिंग, उनकी मीटिंग को रोक देता है। जब वो मीट ही नहीं करेंगे, आपस में मिलेंगे ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो उस कंडीशन में फिर आगे जायगोट नहीं बनेगा और प्रेगनेंसी स्टॉप हो जाएगी। ये कई प्रकार के मेथड, ये भी तीन प्रकार के मेथड जिससे हमने पिछले बारे में तीन प्रकार के पढ़े, यहाँ पर भी वही चीज है, ठीक है। दिस मेथड प्रिवेंट्स द कंटेक्ट ऑफ स्पर्म एंड ओवम विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। अलग अलग प्रकार के हमारे पास ढेर सारे बैरियर्स हैं, ठीक है, चाहे वो कंडोम्स हो, डायफ्राम हो, सर्विकल कैप हो या वॉल्ट हो, या इसी प्रकार से हमारे पास साइडल क्रीम्स हो, जेलीज हो या फोम्स हो, ये सब काम करते हैं, ठीक है। सच मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल, दोनों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कंडोम है तो वो मेल के लिए भी अवेलेबल है और फीमेल के लिए अवेलेबल है। ये जो कंडोम्स होते हैं ये लेटेक्स सीट के बने होते हैं या फिर रबर के बने होते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल कंडोम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मेल का जो कंडोम होता है उसमें ऊपर वाले पार्ट में एक इलास्टिक रबर लगी होती है जो टाइट हो जाती है पेनिस ऊपर रख करके। वहीं पे जो फीमेल वाला कंडोम होता है, मैं आपको डायग्राम से थोड़ा समझा देता हूँ। ये डायग्राम है, देखिए मेल वाले कंडोम में क्या होता है, यहाँ पे इलास्टिक रबर लगी होती है जो जाकर के पेनिस को टाइटली पैक कर लेती है, उसको उसमें फंस जाती है। और वहीं पे अगर फीमेल की बात करें तो ये जो फीमेल में होती है ये रिंग जो होती है टाइट रिंग होती है ना, ये ऐसे सिकुड़ नहीं सकती है और ना ही ज्यादा बड़ी होती है, ठीक है, इलास्टिक नहीं होती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो पोर्शन है ये विजाइना के अंदर सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर दौरान ये विजाइना के अंदर एंट्री करने से बच जाती है, अदरवाइज ये पूरे का पूरा कंडोम ही अंदर घुस आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ना हो इसलिए ये पूल के चूड़ी की तरह, जैसे चूड़ी होती है ना फिक्स्ड शेप होता है उसका, इस प्रकार से इसका भी शेप क्या होता है, फिक्स्ड होता है। कई सारे इसकी भी कई वराइटीज है, अलग अलग वराइटीज, किसी किसी में तो ये पूरा पार्ट ही ऐसा प्लास्टिक का चौड़ा सा पार्ट बना होता है, ऐसा चौड़ा सा आइट साइड पार्ट बना होता है, ठीक है, ऐसा इसलिए ताकि वो किसी भी तरीके से सेक्सुअल डिजायर या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान वो अंदर इंसर्ट ना होने पाए, ठीक है। तो ये मेल कंडोम हो गया, फीमेल कंडोम हो गया। डायफ्राम आप देख लीजिए, डायफ्राम कुछ इस तरीके का दिखता है, सर्विकल कैप कुछ इस प्रकार का दिखता है और वॉल्ट भी सर्विकल कैप की तरह ही थोड़ा सा दिखता है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनमें शेप में, तीनों में थोड़ा सा शेप में डिफरेंस होता है, बाकी सबके बनावट एक जैसी होती है, इसी प्रकार से होती है, बस थोड़ा सा शेप जैसे ये है, यहाँ पर भी रिंग है, थोड़ा सा ऊपर पार्ट बना हुआ है, यहाँ पर भी रिंग है, ऊपर पार्ट बना हुआ है, इसी प्रकार से हमारे पास जो वॉल्ट होता है वॉल्ट भी होता है, ठीक है। बाकी इन दोनों के बारे में ऊपर हम नेक्स्ट वाले पेज में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने कंडोम्स के बारे में देखा, कंडोम दो प्रकार के होते हैं, मेल के द्वारा भी होते हैं, फीमेल के द्वारा भी होते हैं। ये करते क्या है, मेल बॉडी में अगर मेल कंडोम है तो मेल को पेनिस को कवर करेगा और फीमेल कंडोम है तो वो वेजाइना को कवर करेगा, जिससे अगर सीमेन रिलीज हो तो वो यूट्रस तक ना जाने पाए, किसी भी हालत में उसको रोकना है वहां तक पहुंचने से, ठीक है। तो कंडोम्स आर बैरियर्स मेड अप ऑफ थिन रबर या फिर लेटेक्स शीट, किसके बने होते हैं, या तो थिन रबर के बने होते हैं या फिर लेटेक्स शीट के बने होते हैं। यूज टू कवर द पेनिस इन मेल एंड वेजाइना इन द फीमेल ऑब्लिक सर्विक्स इन द फीमेल, ठीक है, वेजाइना को या फिर सर्विक्स को कवर करने के लिए फीमेल में यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं डायफ्राम, सर्विकल कैप एंड वॉल्ट। डायग्राम हमने पीछे देख लिया है, बस इनको बात कर लें। ये भी क्या किसके बने होते हैं बेटा, रबर के बने होते हैं, ठीक है। कैसे बने होते हैं बेटा, रबर के बने होते हैं और ये रीयूजेबल भी होते हैं, ठीक है। दैट आर इंसर्टेड इन टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग द क्वार्टर्स, क्वार्टर्स के दौरान जब सेक्सुअल एक्टिविटी कर रही उसके पहले इनको इंसर्ट किया जाता है, कहाँ पे, वेजाइना के अंदर, क्या करने के लिए, जो सर्विक्स होती है, ध्यान से सुनना, जैसे इस तरीके से मान लीजिए सर्विक्स है ऐसा, ठीक है, ऐसा सर्विक्स होती है, ओके, तो इस सर्विक्स और वेजाइना होती है, तो इस सर्विक्स में इस तरीके से इसको कवर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये इस तरीके से कवर कर लेती है, ठीक है, चाहे वो डायफ्राम हो, सर्विकल कैप हो या फिर वॉल्व हो, ये यहाँ पे कवर करती है। तो इनको वेजाइना के अंदर इंसर्ट करना पड़ता है, ठीक है, और ये भी इनका भी शेप साइज होता है, सब कुछ अलग अलग होता है, एक्सपर्ट नर्स के द्वारा शेप साइज का मेजरमेंट किया जाता है, तब जाकर के इनको अलग शेप साइज के जो अवेलेबल है वो आपके पास आपको सलाह दी जाएगी कि आप इसका इस्तेमाल करिए, ठीक है। दैट आर इंसर्टेड इन टू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग द क्वार्टर्स, दे प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स, सर्विक्स के अंदर, इस सर्विक्स के अंदर यहाँ से स्पर्म जा करके इसके अंदर ना इंसर्ट करने पाए, इसके अंदर मूव ना करने पाए, तो उसको रोकते हैं।
हालांकि ये जो डायफ्राम है, सर्विकल कैप है या वॉल्ट है, ये इतना ज्यादा कारगर नहीं होते हैं, इसलिए हमेशा इनके साथ में स्पर्मिसाइडल क्रीम्स या फिर जेलिस या फिर फोम्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इनका अकेले इस्तेमाल करना उतना ज्यादा कारगर नहीं होता, इनका इस्तेमाल इन्हीं के साथ में होता है, डायफ्राम, सर्विकल कैप या फिर वॉल्ट के साथ इनका इस्तेमाल होता है। तो अब हम बात करेंगे सर्जिकल क्रीम सॉरी स्पर्मिसाइडल क्रीम्स जेलिस एंड फोम्स के बारे में। दीज आर यूज अलॉन्ग विद द These barriers to increase the contraceptive efficiency. Contraceptive efficiency को बढ़ाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि कंडोम्स के साथ इनका इस्तेमाल किसी प्रकार से किया जाए या ना किया जाए कोई मैटर नहीं करता, बट इनके साथ होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कवरिंग नहीं है, कवरिंग है भी तो सिर्फ सर्विक्स की कवरिंग है। बाय चांस अगर ये डिस्प्लेस हो जाए सेक्सुअल एक्ट के दौरान, ठीक है, कहीं और चला जाए, तो उस कंडीशन में फिर पूरी तरीके से फलेशन होने की या फिर स्पर्म को यूट्रस के अंदर या फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाने की पूरी संभावनाएं होती हैं। तो इसलिए हमेशा इनके साथ में इनका इस्तेमाल किया जाता है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, डायग्राम में समझा दिया हूं और आगे मूव करते हैं। अब हमारे पास थर्ड जो मेथड है वो है इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस, जिसको हम IUDs के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इंट्रायूटराइन डिवाइसेस कुछ इस प्रकार की बनी होती है, तीन अलग अलग प्रकार से होंगी। पहले नॉन मेडिकेटेड IUDs होती है, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज होती है और हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज होती है। तीन प्रकार की आयोडीज होती हैं और ये दो प्रिंसिपल पे काम करती हैं कि स्पर्म जो जा रहा है उस स्पर्म को मार देंगी, फैगोसाइटोसिस कर देंगी, बोले तो स्पर्म की सेल को नष्ट कर देंगी, खत्म कर देंगी, खा जाएंगी। ठीक है, इस आधार पे काम करती हैं, स्पर्म को ओवम तक पहुंचने से रोक देती हैं, इस आधार पे मेनली ये कार्य करती हैं। वहीं पे जो हार्मोन रिलीजिंग होती है, हार्मोन रिलीजिंग ऐसी होती है जो यूट्रस होता है, यूट्रस को ही हॉस्टाइल बोले तो असुरक्षित बना देती हैं, किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए, तो इम्प्लांटेशन ही नहीं होने देती हैं। तो इनका सबका अपना देखिए शेप थोड़ा देख लीजिए, ये जो दिख रहा है इंट्रायूटराइन डिवाइसेस यही है IUDs। ठीक है, इस प्रकार का कुछ दिखता है, हालांकि इनके शेप में काफी परिवर्तन होता है, कई प्रकार के कई शेप के बने होते हैं, बट शेप में जो चेंज आएगा वो सिर्फ इस रॉड में और इस जो इसको यूज करना जो पहनना है, ठीक है, इसको रखना यूट्रस में, इसमें चेंज आएगा किसी किस्म, जैसे मैंने शेप बनाया इस शेप की हो सकती है। ठीक है, तो अलग अलग शेप की मौजूद हो सकती है। बाकी ये पोर्शन जो है, जो हार्मोन रिलीजिंग पोर्शन है, जो थ्रेड लगे होते हैं, वो तीन प्रकार के ही होंगे, या तो नॉन मेडिकेटेड होंगे, या फिर हार्मोन रिलीजिंग होंगे, या जैसे होंगे कॉपर आयन रिलीजिंग होंगे, यही तीन प्रकार के मौजूद होते हैं। ठीक है, तो दीज आर डिवाइसेस इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स टू और एक्सपर्ट नर्सेस इन द यूट्रस फॉर द वजाइना। ठीक है, क्योंकि आपको पता है यूट्रस बहुत अंदर होता है और उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो किसी अपने खुद के द्वारा इस्तेमाल किया नहीं जा सकता है, ना किसी झोला छाप डॉक्टर से इस्तेमाल करवाया जा सकता है। एक्सपर्ट जो नर्सेस हैं या जो स्पेसिफिक डॉक्टर्स हैं उनके माध्यम से ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और वो यूट्रस के अंदर इसको इम्प्लांट कर सकते हैं, इम्प्लांट करना बोले तो इसको रख सकते हैं वहां पे, तब जाके सही से काम करेंगी। ठीक है, दीज आर थ्री टाइप्स, तीन प्रकार की होती है IUDs अवेलेबल, जैसे नॉन मेडिकेटेड IUDs होती है। ठीक है, दीज आर इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स विद इन द यूट्रस, दैट इज एक एग्जाम्पल है इसका लिपिस लूप, मतलब ये क्या करते हैं फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है स्पर्म का भक्षण, स्पर्म भक्षण बोले तो उनको मार करके खत्म कर देना। ठीक है, तो इस प्रकार से कार्य करती है, इसका एक एग्जाम्पल क्या है लिपिस लूप। ठीक है, इसका शेप कैसे होता है, जैसे मैंने पीछे वाले अभी स्लाइड में शेप बताया था, सेम वैसा ही शेप होता है, इन तीनों का शेप सेम वैसा ही होगा, बस इनके जो थ्रेड है उस थ्रेड में परिवर्तन होगा, कोई हार्मोन रिलीजिंग होगा, कोई नॉन मेडिकेटेड होगा, तो कोई कैसा होगा कॉपर आयन रिलीजिंग होगा। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड वाला कॉपर आयन रिलीजिंग IUDs। ठीक है, अलॉन्ग विद फैगोसाइटोसिस, ये फैगोसाइटोसिस तो करती है स्पर्म को तो मारती है, उनका भक्षण तो करती करती है, ऑपरेशन द कॉपर आयन्स रिलीज्ड सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी, क्या करते हैं स्पर्म की स्पीड को कम कर देते हैं, घटा देते हैं, जिससे स्पर्म बहुत तेजी से नहीं मूव कर पाता, और क्योंकि धीरे धीरे जाएगा तो तब तक वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, उसका लाइफ स्पान ही खत्म हो जाता है। ठीक है, इंटरफेयर क्या है फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी रिड्यूस कर देते हैं, तो अगर वो पहुंच भी जाएगा तो फर्टिलाइज करने योग्य नहीं रहेगा, फर्टिलाइज ही नहीं कर पाता है। ठीक है, ऑफ द स्पर्म एग्जाम्पल जैसे कॉपर 10 कॉपर 7 एंड मेटिलो 375, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आशा करूंगा कि आप इसी समय पे वन बाय वन करके आप याद करते जा रहे होंगे क्या है कॉपर 10 कॉपर 7 एंड मेटिलो 375, ये कॉपर रिलीजिंग IUDs होती है। वहीं पे जो लिपेस लूप है वो नॉन मेडिकेटेड IUDs होती है, और लास्ट में हमारे पास हार्मोन रिलीजिंग IUDs, ये करते हार्मोन रिलीज करते हैं, दिस मेक्स द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल, जो
सर्विक्स होती है उसको हॉस्टाइल बना देते, असुरक्षित बना देते, जिसकी वजह से वो बिल्कुल जानलेवा सी हो जाती है। जैसे इस पर मिंट करेगा उसको तुरंत खत्म कर देगी, मार देगी, खत्म कर देगी, उसकी पूंछ वगैरह कट जाएगी, जिसकी वजह से मूव करके और आगे नहीं मार जा पाएगा। ठीक है, इसमें क्या लिया जाता है, हार्मोन रिलीजिंग क्या होता है, जो प्रोजेस्टासर्ट होता है और LNG-22 इसके एग्जाम्पल है, हार्मोन के रूप में दिए जाते हैं। ठीक है, प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20 आप याद रखिएगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा ओरल कंट्रासेप्टिव फोर्थ मेथड है वो हमारा कौन सा, ओरल कंट्रासेप्टिव। क्योंकि मैंने बताया ओरल का मतलब होता है माउथ से के द्वारा ली जाने वाली कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ये ऐसे कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं या फिर युक्तियां हैं जिनका यूज माउथ के द्वारा लिया जाता है, टेबलेट के रूप में लिया जाता है, पिल्स के रूप में लिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान सुनिए, दिस इन्वॉल्व्स द अपटेक ऑफ हार्मोनल प्रिपरेशन। क्या होता है बेटा, हार्मोनल प्रिपरेशन होता है, दो हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरोन होता है और एस्ट्रोजन होता है, या तो ओनली प्रोजेस्टेरोन का यूज किया जाता है या फिर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन भी लिया जाता है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन वाली जो पिल्स होती हैं वो ज्यादा बेटर मानी जाती है, ज्यादा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू ओनली प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ आइदर प्रोजेस्टेरोन, या तो उसमें प्रोजेस्टेरोन होंगे या फिर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन होगा। क्या होगा, उसमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होगा इन द फॉर्म ऑफ पिल्स, किसके रूप में, टेबलेट्स, जो पिल्स होती है ना गोलियां, इनको हम पिल्स बोलते हैं, टेबलेट्स बोलते हैं, तो पिल्स के रूप में ली जाती है। ठीक है, अब इसमें कई प्रकार की एग्जांपल हैं, पर ये काम कैसे करती है पहले इस बात समझ लेते हैं, क्योंकि हार्मोनल प्रिपरेशन, ध्यान से सुनना, ये हार्मोनल प्रिपरेशन है, तो जब हार्मोन ही डिसबैलेंस हो जाएगा तो ओजेनेसिस जो चालू है, जो प्रोसेस चल रही है, फॉलिकुलोजेनेसिस जो हो रही है ओवरी के अंदर, वो प्रोसेस ही स्टॉप हो जाएगी, वो प्रोसेस चेंज हो जाएगी, तो ओवम ही नहीं बनेगा। बाकी तो सब चीजें थोड़ा थोड़ा चलेंगी जैसे तैसे, बट ओवम नहीं बनेगा। जब ओवम नहीं बनेगा तो क्या होगा, तो भाई साहब जब ओवम ही नहीं बना है, ध्यान से सुनना, जब ओवम ही नहीं बना तो फर्टिलाइजेशन की कोई चांसेस नहीं है। तो इसलिए ही किस तरीके से काम करती है, बोले ओवम को बनने से ही रोक देती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि ये दूसरा पॉइंट है कि इनकी जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके, जैसे मान लीजिए एक सप्ताह में एक लेने वाली सहेली टेबलेट है ना, पिल्स है, एक ही बार मिली जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हार्मोनल होती है जो कि, तो अगर बाय चांस कभी फर्टिलाइजेशन हो भी जाए तो यूट्रस ही सुटेबल नहीं बनने देती है, यूट्रस ही सुटेबल नहीं होता है कि उसमें इम्प्लांटेशन हो सके। दोनों तरीके से कार्य करती है, मेन इनका मकसद यही होता है कि क्या कर सके, ओवम बनने से रोकें जिससे फर्टिलाइजेशन के चांसेस ना हो बिल्कुल भी। ठीक है, तो दे इनहिबिट द ओवुलेशन, क्या कर देती है बेटा, ओवुलेशन को इनहिबिट कर देती है। दूसरा पॉइंट है इम्प्लांटेशन को रोक देती है, अगर बाय चांस कभी हो जाए ओवुलेशन तो इम्प्लांटेशन नहीं होने देती है। ठीक है, एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म। जो सर्विक्स होती है उसमें म्यूकस रिलीज होता है लगातार, तो जो उसका म्यूकस होता है उसकी क्वालिटी चेंज हो जाती है। जब क्वालिटी चेंज होती है तो स्पर्म जैसे मूव करना चाहेगा तो खत्म हो जाएगा, मतलब उसकी क्या हो जाएगी, फेगोसाइटोसिस हो जाएगी, मतलब वो भी मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर पूंछ वगैरह कट गई तो फिर वैसे मूव नहीं कर पाता, या उसका जो हेड पार्ट होता है जिसमें स्पर्म लाइसिन जैसे एंजाइम्स होते हैं, तो वो हेड वाला पार्ट अगर डैमेज हो गया तो फिर आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो इस तरीके से उसको रोका जा सकता है कि वो इस ड्रेस के अंदर मूव ना करे, या अगर बाय चांस इसमें कुछ पहुंच भी जाते हैं तो फिर हमारे पास एक लास्ट चांस ये होता है कि इम्प्लांटेशन ना रोका जाए। तो तीन स्टेप में रोका जाता है, ध्यान से सुनना, पहले ओवम को बनने से रोका जाता है, ये टेबलेट इस तरीके से कार्य करती है कि पहले ओवम को बनने से रोकेंगी, बाय चांस अगर ओवम बन भी जाए तो उसका फर्टिलाइजेशन से रोकेंगी, स्पर्म को सर्विस के अंदर नहीं जाने देंगी, यूट्रस के अंदर नहीं जाने देंगी। और तीसरा पॉइंट ये है बेटा कि बाय चांस अगर सर्विस के अंदर चला भी जाए, फर्टिलाइजेशन हो भी जाए, तो उसका इम्प्लांटेशन भी नहीं होने देंगे। तो तीन प्रकार से काम करती है, तीनों अपने अपने जगह पे काम करेंगी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है बेटा, मालाडी, ओरल एल एंड सहेली, तीनों एक जैसी डिवाइसेस है, बस इनका नाम अलग अलग है, किसी किसी में कॉम्बिनेशन भी इनका सबका थोड़ा थोड़ा अलग अलग है। जैसे सहेली की बात करें, सहेली क्या होती है, एक ओरल कंट्रासेप्टिव है फॉर द फीमेल्स कंटेनिंग नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन, इसमें किसी प्रकार का स्टेरॉइडल प्रिपरेशन नहीं होता है। ठीक है, वॉज डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट एट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। कहां पे बेटा, लखनऊ के सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में इसका इस्तेमाल पहली बार इसकी डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, तो ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में ही बनी हुई कोई डिवाइस है ऐसी, या फिर पिल्स है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सप्ताह में एक बार ली जाती है, ये ऐसी सहेली एक ऐसी पिल्स है जिसको वीकली लिया जाता है, वीक में वन बार लिया जाता है। ठीक है, पर डे नहीं लिया जाता है। ओके, तो आशा करता हूं आपको सहेली वाला पॉइंट समझ में आया होगा। आप इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, CDRI का सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ। ठीक है, लास्ट पॉइंट हमारे पास, पिल्स हैव हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू, इसके पास क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू होता है। ठीक है,
एंड फ्यू साइड इफेक्ट, इनका थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट भी होता है। साइड इफेक्ट कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे अभी तक हमने जो भी पढ़े हैं, ठीक है, अभी पीछे वाले हमने हार्मोन वाला पढ़ा है और यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव पढ़ रहे हैं। दोनों का थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होता है, जैसे बाय चांस एब्डोमेन में पेन होना, ठीक है, या फिर इचिंग होना यूट्रस में, या फिर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वहां पे इचिंग होना, थोड़ा हेडेक होना, नौजिया होना, थोड़ा जी मिचलाना, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। कई बार कुछ ऐसे जो दवाइयां हैं जो हमारा जो ओरल कंट्रासेप्टिव है, इनका कुछ साइड इफेक्ट इतना आगे बढ़ जाता है कि इवन ब्रेस्ट कैंसर जैसे या फिर सर्वाइकल कैंसर जैसे बीमारियां भी कई बार घेर सकती हैं। तो इस चीज को दरकिनार नहीं किया जा सकता है कि अगर ये हमारे लिए यूजफुल है तो इनका कुछ साइड इफेक्ट भी होता होगा। जैसे मैंने बताया अभी साइड इफेक्ट, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, नौजिया हो सकता है, एब्डोमेन पेन हो सकता है, ठीक है, और वॉमिटिंग भी हो सकती है, ये भी है, ठीक है, हेडेक लगातार थोड़ा थोड़ा बना रह सकता है, इचिंग हो सकती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में फीमेल बॉडी में, क्योंकि मैक्सिमम सिर्फ कंडोम्स को छोड़ करके, कंडोम्स और एक लास्ट का मेथड पढ़ेंगे सर्जिकल मेथड, दो मेथड छोड़ करके मेल के द्वारा कोई भी मेथड उपयोग में नहीं है, मेल कभी भी इनका उपयोग नहीं कर सकता है। सबके सब जो मेथड्स बने हैं वो फीमेल बॉडी के लिए बने हैं और फीमेल बॉडी ही प्रेगनेंसी का सपोर्ट करती है, तो उसकी बॉडी को मतलब बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करना ये जिम्मेदारी है। तो ध्यान से सुनना, इन सब चीजों को अगर जो यूज करेगा उसको थोड़ा बहुत अगर साइड इफेक्ट देखने को मिलता है तो कई बार सर्वाइकल कैंसर जैसे बीमारियां भी होती है, सर्विक्स में कैंसर हो जाना, यूट्रस कैंसर हो जाना, ऐसी भी बीमारियां हो सकती है, या फिर ब्रेस्ट कैंसर हो जाना, इस तरह में क्या हो जाना, कैंसर हो जाना, ये गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं इसके एज ए साइड इफेक्ट के रूप में, तो इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। आशा करता हूं आपको एक पॉइंट समझ में आ रहे होंगे और आए भी हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स। इंजेक्शन बोले तो जो इंजेक्टेबल मेथड है, उस इंजेक्टेबल मेथड में इंजेक्शन आता है और इम्प्लांट्स आता है। इंजेक्शन में क्या करते हैं, जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, जो भी डॉक्टर के द्वारा, मैं बिल्कुल नहीं मान बोल रहा हूँ कि आप जाइए मार्केट में और खरीदिए और अपने खुद से इस्तेमाल करिए, एक सलाह में डॉक्टर की सलाह के द्वारा ही इनका इस्तेमाल अच्छे से किया जा सकता है। तो प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन को एक्सपर्ट डॉक्टर के द्वारा इनको इंसर्ट किया जा सकता है, इंजेक्शन के रूप में लिया जा सकता है। कॉम्बिनेशन कैन बी ऑल्सो यूज बाय द फीमेल्स एज ए इंजेक्शन ऑब्लिक इम्प्लांट्स के रूप में, इम्प्लांट्स के रूप में। तो इसमें तो क्या होती है, ये इम्प्लांट्स आपको दिख रहा है, एनसीआरटी का डायग्राम है, ये तीलिया तीलिया जैसा दिख रहा है, तो इनमें क्या होता है, भरा होता है लगातार, क्या भरा होता है, सेम वही चीज, प्रोजेस्टेरोन या फिर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन भरा होता है, जो धीरे धीरे बॉडी में रिलीज होता रहता है, जिसकी वजह से हमारे फीमेल बॉडी में जो हार्मोन का बैलेंस है वो थोड़ा ज्यादा रहता है। जब हार्मोनल बैलेंस थोड़ा ज्यादा रहेगा, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन बॉडी में ज्यादा रहेंगे, तो फॉलिकुलोजेनेसिस जैसी जो प्रोसेस है, जो ओजेनेसिस जैसी प्रोसेस है, ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएंगे, नहीं होंगी, जिसकी वजह से ओवम रिलीज नहीं होगा। जब ओवम ही रिलीज नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस रुक जाते हैं, मतलब सिंपल्स की तरह ये भी कार्य करते हैं, ओवम को ही क्या करते हैं, रोक देते हैं बनने से। ओके, बाकी सेम यूट्रस को भी अनसुटेबल बना देंगे, सर्विस को हॉस्टाइल बना देंगे, सब वैसा ही काम करेंगे। एक पॉइंट यहाँ पे और आता है कि अगर बाय चांस किसी के साथ रेप हुआ है फीमेल के साथ में, या फिर कोई इमरजेंसी केस है ना, तो उस इमरजेंसी केसेस में जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का जो कॉम्बिनेशन है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन है, इसका डॉक्टर के द्वारा लिया जा सकता है विद इन 72 आवर्स में। इसका कॉम्बिनेशन इंजेक्शन के रूप में लिया जा सकता है और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है विद इन 72 आवर्स। याद रखना कितना बोल रहा हूं मैं, 72 आवर्स की बात कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, 72 आवर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस 72 आवर्स के अंदर ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। हालांकि इसके रूप में टेबलेट भी मिलती है, अनवांटेड 72 के नाम से टेबलेट्स मिलती है। मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाकर के कहीं से उसको परचेज करके और इसका इस्तेमाल करना चालू कर दें। आप फिर से बोल रहा हूँ, आप किसी सलाह से, किसी डॉक्टर के अच्छे से सलाह से, उसके देख रेख में ही इन सब चीजों का इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। तो अनवांटेड 72 जो टेबलेट्स के रूप में भी यही कॉम्बिनेशन आता है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन आता है, वो भी बाय चांस अगर किसी कंडीशन में किसी के साथ में रेप हो गया है, या फिर जो कंट्रासेप्टिव डिवाइस यूज किया है, जैसे मान लो कंडोम्स वगैरह, इस तरह की कोई चीज इस्तेमाल किया है, सर्विकल कैप इस्तेमाल किया, डायफ्राम इस्तेमाल किया, और उसका बाय चांस वो डिसबैलेंस हो गया, या फिर उसका वो क्या बोलते हैं, फेल कर गया है, तो उस कंडीशन में अब आपको चाहिए भाई साहब कि आपने ऐसे टाइम पे किया है कि हो सकता है फर्टिलाइजेशन के चांसेस अगर बन सकते हैं, तो रास्ता है, रास्ता क्या है, रास्ता ये है कि अनवांटेड 72 जो नाम से जो टेबलेट्स अवेलेबल रहती हैं, पिल्स अवेलेबल रहती हैं, उनके इस्तेमाल किया सकता है, या फिर किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से इसका कॉम्बिनेशन भी इंजेक्शन के रूप में लिया जा सकता है, जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव पीरियड होता है विद इन 72 आवर्स, याद रखना।
ठीक है, इसलिए इसमें क्या जुड़ा है, 72 जुड़ा है, अनवांटेड 72। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आगे बात करेंगे हम, देयर मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स। इनका मोड ऑफ एक्शन कैसा होता है, बिल्कुल पिल्स की तरह होता है, जैसे अभी हमने बताया तीन स्टेप में कार्य करती है पिल्स, इसी प्रकार से ये भी तीन स्टेप में कार्य करेगा। ठीक है, बट देयर इफेक्टिव पीरियड आर मच लॉन्गर, इनका इफेक्टिव पीरियड एज ए पिल्स के रूप में इनका बहुत ज्यादा होता है, 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, इस तरीके से इनका अलग अलग तरीके से, जितना अच्छी क्वालिटी वाले आप इम्प्लांट्स लेंगे या फिर इंजेक्शन लेंगे उसके अकॉर्डिंग ही क्या होता है, इफेक्टिव पीरियड लॉन्ग होता है। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, ये आपको दिख रहे होंगे इम्प्लांट्स हैं। ठीक है, इंसर्टिव डायग्राम है, आशा करता हूं समझ में आया, तो नेक्स्ट पेज में हम मूव करना आसान बात है, मूव कर जाते हैं। देखिए सर्जिकल मेथड, लास्ट हमारा मेथड है सर्जिकल मेथड 6 नंबर का, इसी को हम बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन मेथड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अगर एक बार ये किसी के साथ हो गया तो मतलब वो क्या हो चुका, स्टेराइल हो गया है, मतलब अब वो बांझ बन चुका है, अब दोबारा बच्चे पैदा नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये मेथड जो होते हैं इनको हम टर्मिनल मेथड के नाम से भी जानते हैं, 3-4 नाम है इसके। ठीक है, या परमानेंट मेथड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दीज आर टर्मिनल एंड परमानेंट मेथड होते हैं, मतलब टर्मिनल बोले तो टर्मिनेट कर देना, अब दोबारा कोई प्रोसेस नहीं हो सकती है, रिप्रोडक्शन जैसी प्रोसेस। ठीक है, सॉरी, व्हिच ब्लॉक्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट्स देयर बाय प्रिवेंटिंग द कंसेप्शन, इसी प्रकार से जो कंसेप्शन है रोका जा सकता है, क्योंकि दोनों मेल में भी किया जा सकता है और फीमेल में भी किया जा सकता है। जब मेल में किया जाता है, अगर हम मेल की बात करें तो मेल में क्या होता है, जो वॉच डिफरेंस होता है उस वॉच डिफरेंस को कट करके थोड़ा फोल्ड करके उसको बांध दिया जाता है। अब डायग्राम के माध्यम से पहले समझ लीजिए, देखिए ये मेल का डायग्राम है, यहाँ पे टेस्टिस से वॉच डिफरेंस ऊपर की तरफ जाता है, वॉच डिफरेंस को क्या किया गया, यहाँ से कट लगाया गया, उसको वापस फोल्ड किया गया, ऊपर वाले को वापस फोल्ड किया गया, फोल्ड करने के बाद इन दोनों को क्या कर दिया गया, यहाँ से बांध दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको वॉच डिफरेंस को कट करके उसको टाइट कर दिया था, टाइट अप कर दिया, बांध दिया जाता है, दोनों तरफ किया जाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, क्योंकि वॉच डिफरेंस में होती है इसलिए इसका नाम पड़ा वैसेक्टोमी। क्या बोलते हैं इसको हम, वैसेक्टोमी के नाम से जानते हैं, और यही चीज सेम फीमेल में भी कह सकता है। फीमेल में जो फैलोपियन ट्यूब होती है उस फैलोपियन ट्यूब के इस्थमस जैसा, क्योंकि इस्थमस के पास में क्या होती है, ये फैलोपियन ट्यूब काफी पतली होती है, यहाँ पर भी देखो, तो इस पार्ट से क्या किया जाता है, उसको कट किया जाता है, कट करने के बाद वापस फोल्ड किया जाता है, फोल्ड करने के बाद उसको बांध दिया जाता है। मेल बॉडी में जब किया जाता है तो स्क्रोटम में थोड़ा चीरा लगाया जाता है, स्क्रोटम के थोड़ा सा कट करके वहीं से इसको बाहर निकाल करके कट करके बांध दिया जाता है, फिर अंदर रख करके पैक कर दिया जाता है। जबकि फीमेल बॉडी में इसी चीज को लोअर जो एब्डोमन होता है उस लोअर एब्डोमन को कट करके भी किया जा सकता है, और साथ में इसी को वेजाइना के थ्रू भी किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि अब समय के साथ में अच्छे अच्छे जो इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हैं, एडवांसमेंट आ चुका है सर्जिकल मेथड के लिए, तो अब ऐसी सर्जरी भी पॉसिबल है कि यहाँ पे वेजाइना के थ्रू भी, अगर किसी को पेट में ऊपर से चीरा नहीं चाहिए, कट नहीं लगवाना है, तो वेजाइना के थ्रू भी उसको परफॉर्म किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी क्या किया था, उसको कट करके वापस टाइट अप कर दिया था, दोनों तरफ किया जाता ताकि इधर से ओवम भी ना सके और इधर से भी ओवम ना सके। अब ध्यान से सुना, एक पॉइंट है कि मेल और फीमेल अगर वो कपल्स हैं तो दो में से एक करवा ले तो काफी है, दोबारा किसी दूसरे को करवाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेल अगर करवा लेता है तो वैसे भी स्पर्म नहीं जाएगा, तो कितनी भी सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर ले, जब उसके अंदर जो इजेकुलेशन होगा, ध्यान सुना, इजेकुलेशन अभी भी होगा, जब भी सेक्सुअल एक्टिविटी करेगा, क्वाइटस करेगा, तो अभी भी इजेकुलेशन होगा, बट उस इजेकुलेशन में, ध्यान सुना, इंसेमिनेशन में या इजेकुलेशन में स्पर्म नहीं होगा, बाकी तो सीम होगा सब कुछ, इस ग्लैंड का भी सेक्रेशन होगा, है ना, जिसको हम सेमिनल वेसिकल बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड का भी सेक्रेशन होगा, बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड का भी सेक्रेशन होगा, बट उसमें क्या होगा, अब्सेंट होगा स्पर्म अब्सेंट होगा, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन का कोई चांसेस नहीं होगा। तो इजेकुलेशन तो होगा, इंसेमिनेशन भी होगा, बट उसमें स्पर्म का इंसेमिनेशन नहीं होगा, बात समझ में आ गई। जब स्पर्म ही नहीं जाएगा तो किसी भी प्रकार का कंसेप्शन होने की कोई चांसेस नहीं है, और अगर इसी चीज को मेल नहीं करके फीमेल करवा लेती है, जो पार्टनर है फीमेल पार्टनर करवा लेती है, तो ठीक है, मान लीजिए मेल ने क्या किया, यहाँ पे इंसेमिनेशन कर भी दिया, स्पर्म डाल भी दिया, तो स्पर्म चले गए आगे, यहाँ तक जाएंगे, यहाँ जाएंगे रास्ता बंद है, तो आगे ओवम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, और ओवम क्या हो चुका है, यहाँ पे मर करके रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, किसी प्रकार के उसमें कोई चांसेस नहीं होते हैं, तो देखिए इस कंडीशन में भी कोई फर्टिलाइजेशन की कोई चांसेस नहीं है, और बहुत आसान है तरीका है, बट कंडीशन यही है, ये रिवर्सिबल नहीं है, ये इरिवर्सिबल मेथड है, टर्मिनेटिंग मेथड है, या परमानेंट मेथड है, या फिर स्टेराइलाइजेशन मेथड के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि रिवर्सिबल नहीं है। तो अगर बाय चांस किसी फीमेल के दो बच्चे थे और किसी एक्सीडेंटल डेथ में, भगवान ना करे ऐसा हो, बट बाय चांस अगर वो खत्म हो गए और फीमेल फिर से चाहती है कि यार मैं बच्चे पैदा कर लूं, तो चूंकि अगर वो ये करवा चुकी है, तो अब किसी भी हाल में, फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी हाल में प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकती है।
ठीक है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए। वहीं पे अगर हम इसकी बात करें मेल वाले की, तो अगर मेल वाले ने करवा रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पर्म किसी डोनर से लेकर के भी फीमेल बॉडी में डाल करके नॉर्मल प्रेगनेंसी कंसीव करवाई जा सकती है, ठीक है। तो ये मेथड ऐसे होते हैं, तो फीमेल ना करवाए, मेल करवाए तो बेहतर है, पर लोग मेल करवाते नहीं जल्दी, फीमेल को ही ज्यादा प्रोत्साहित किया जाता है, गलत बात है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, तो हम मेल की बात करते हैं। मेल में क्या कहते हैं, स्मॉल पार्ट ऑफ ब्रेस्ट डिफरेंस इज रिमूव्ड एंड टाइड अप, रिमूव जरूरत नहीं रिमूव करने की, उसको तो फोल्ड करके बंद कर देंगे, बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है, बट फिर भी रिमूव किया जा सकता है, लिखा जैसे पढ़ लेते हैं, एंड टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन इन ऑन द स्क्रोटम, स्क्रोटम में थोड़ा सा कट लगा करके, चीरा लगा करके इसको किया जा सकता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वैसेक्टोमी। क्या बोलते हैं, वैसेक्टोमी के नाम से जानते हैं। अब हम फीमेल के बारे में बात करते हैं, फीमेल में क्या होता है, स्मॉल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब बोले तो वही जो हिंदी में डुंब वाहिनी या फिर अंड वाहिनी के नाम से जानी जाती है, वही फैलोपियन ट्यूब है। तो फैलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है, इज रिमूव्ड एंड टाइड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन इन द लोअर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन के द्वारा भी किया जा सकता है या फिर वजाइना के माध्यम से भी किया जा सकता है। दिस मेथड इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। तो ये रहा अभी तक का जो हम कंट्रोल बर्थ कंट्रोल मेथड पढ़ रहे थे, 1-to-1 करके टोटल बर्थ कंट्रोल मेथड के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। आशा करता हूं आपको एक टॉपिक समझ में आया होगा, वीडियो पसंद लगा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, तो आशा करूंगा कि आप सपोर्ट करेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।